राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार सरस्वती तीर्थ के सौंदर्यीकरण का कार्य अब तेज कर दिया गया है। तीर्थ के विकास पर लगभग 14 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से खर्च किए जाएंगे। इसके बाद यह तीर्थ पूरे विश्व में अपनी भव्यता बिखरने के लिए प्रसिद्ध होगा। राज्य मंत्री संदीप सिंह केडीपी द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ तीर्थ निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव एवं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे भव्य आयोजनों के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से यहां आधुनिक स्टेज, ग्रीन रूम और बाथरूम तैयार किए जा रहे हैं। इनके बनने से यहां होने वाले कार्यक्रमों के दौरान कलाकारों, आमजन व अतिथियों को सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पार्किंग की चार दीवारी एवं इसे ब्लॉक लगाकर पक्का करने का काम भी शुरू किया जा चुका है, जो लगभग 7% पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला घाटों को दुरुस्त करने और उसकी साफ सफाई करने के लिए भी केडीपी ने काम शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया है। तीर्थ को सुंदर और भव्य बनाने के लिए धार्मिक स्थलों पर रख रखाव करने वाली अनुभवी एजेंसियों को यहां आमंत्रित किया गया है, जो इस तीर्थ के दोनों तरफ सदरियां बनाकर पूरे तीर्थ के आसपास बने भवनों को एक जैसे रंग में रंगेंगी। जिस तरह गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर मशहूर है, इस तरह एक रंग के भवन होने से यहां की भव्यता भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। राज्य मंत्री ने बताया कि तीर्थ पर रोशनी का प्रबंध करने के लिए लाइटों का टेंडर लग चुका है, जल्द ही ये काम भी पूरा होगा। इसके अलावा यहाँ श्रद्धालुओं को धार्मिक संगीत सुनाई दे, इसके लिए म्यूजिक सिस्टम तीर्थ के आसपास स्थापित करने का भी प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धार्मिक स्थलों को स्वच्छ बनाने के आह्वान का अनुसरण करते हुए राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सरस्वती तीर्थ पर स्वच्छता अभियान चलाकर उसमें भागीदारी की। उन्होंने सरस्वती माता मंदिर एवं घाटों की सफाई की। इसके बाद गुरुद्वारा छठी पातशाही में सफाई अभियान चलाया। राज्य मंत्री ने कहा कि स्वच्छता हम सबका राष्ट्र के प्रति नैतिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आह्वान अभिनंदन योग्य है कि उन्होंने स्वच्छता की अलख जगाई। सभी को इसका अनुसरण करना चाहिए, ऐसे अभियान लगातार जारी रहने चाहिए। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस दौरान नाभा हाउस के पास स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी धोली हवेली का भी दौरा किया। उन्होंने यहाँ गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान राम और महाराजा रणजीत सिंह जैसे राजाओं महाराजाओं के भित्ति चित्र एवं उनसे जुड़ी प्राचीन सामग्री का भी अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी का 300 वर्ष पुराना चित्र यहां देखा है। उन्होंने कहा कि हिंदू सिख एकता की प्रतीक ऐसी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। वह जल्दी पुरातत्व विभाग के आला अधिकारियों को बुलाकर इस प्राचीन विरासत धोली हवेली को सहेजने का प्लान तैयार करवाएंगे। इस दौरान उनके साथ नगरपालिका प्रधान आशीष चक्रपाणी, मंडल प्रधान राकेश पुरोहित, सुरेंद्र ढींगरा, एसडीएम सोनूराम, नगरपालिका सचिव मोहनलाल, एसडीओ पीडी सुरेंद्र, सोनू गोयल, पार्षद रविकांत, अजय प्रवीण सरपंच, उस्मानपुर विंकल चौबे सरपंच, अक्षय नंदा, तेजेंद्र श्यापोस सहित कई लोग अन्य भी मौजूद रहे। मुझे सुबह ही ये पता चला कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर है जो लगभग 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और इस हवेली में हमारे अंकल हैं। मेरी पहले भी इनसे एक दो बार फ़ोन पे बात हुई थी, तब इस बारे में चर्चा नहीं हुआ आज अंकल इस बारे में मेरी चर्चा नहीं हुई थी कि इनके घर में मतलब इतने धर्म से रिलेटेड, हिंदू सिख भाईचारे से रिलेटेड इतना कुछ है। तो आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। समा जो है ये कहता है कि समा तो उड़ता है जाता है, लेकिन यादें जो हैं वो इनके घर में समाई हुई हैं। जिसको भी मौका मिलता है, मैं अपने यहाँ पे हमारे जो एक्रोलॉजी के जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके यहाँ पर जरूर विज़िट कराऊँगा, जिससे कि हमारा जो इतिहास है, हिंदू सिख धर्म का इतिहास जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संभाल के रखा जाए, जिससे कि ये आने वाली जनरेशन भी इसका दर्शन कर सके। सरस्वती तीर्थ को लेकर काफ़ी विकास का है। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी की यहाँ बेवा में लास्ट ईयर रैली थी और उसमें घोषणाएं की थी, और उस घोषणा के तहत जो भी फंड था उसके तहत अब आज जो है वहाँ पर स्टेज, ग्रीन रूम, उसके साथ अटैच बाथरूम, क्योंकि कोई प्रोग्राम हो वो बन के काफ़ी 70-80% तैयार है। पार्किंग ऑलमोस्ट तैयार है। चार दीवारी पूरे जहाँ जहाँ इसकी हद है उसकी चार दीवारी जो है वो पूरी ऑलमोस्ट काम शुरू हो रहा है, और साथ ही में वहाँ पर गेट लगेंगे जिससे कि जो कोई बाहर के लोग जो हैं जो भी आएँ तो वो वहाँ पर आकर सुरक्षित समझे, क्योंकि वहाँ पर कोई बाहर की चीज़ ना आ सके। सेकेंडली यहाँ पर सदरियाँ जो हैं वो बनेगी, और साथ ही में घाट के साथ साथ जो है वो सारा ब्यूटिफिकेशन को लेकर, और चौक के ऊपर जो गेट बना हुआ है वहाँ पर उसकी जो रिपेयर होनी थी वो रिपेयर हो चुकी है,
टेंडर इलेक्ट्रॉनिक का जो टेंडर है इलेक्ट्रिक सिटी का लाइटिंग का, वो टेंडर लग गया है, वो खुलना है। अलॉट होकर वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन वाली लाइटिंग और साथ में म्यूजिक लगेगा, जो पूरा पेवे के जो शहर से होकर जो लोग जाएंगे उनको सुनाई देगा। और इसका जो बजट है वो तकरीबन 13-14 करोड़ का बजट है, जो पूरा करके उसको ब्लॉक्स वगैरह लगा के सारा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एक कुछ महीने पहले हमने इसकी शुरुआत की थी, तो आज उसकी हम देख रेख के लिए कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, उसके लिए आ जाएंगे। देखिए, सेवा करना धार्मिक स्थल पर वैसे ही हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने हमें सिखाया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम दीपावली मनाते हैं दो तरीकों से। हिंदू धर्म में जब रामचंद्र जी वनवास काट के घर आए थे तब उसके रूप में दीपावली मनाते हैं। सिखों में जब 52 राजों को कैद, छठे पातशाह जी ने उसमें ग्वालियर के अंदर जब कैद से छुड़वाया था राजों को, तो उसके रूप में हम उसकी दीपावली मनाते हैं। लेकिन दीपावली हमारे पूर्वजों से, गुरुओं से दी हुई चीज़ है, तो दीपावली के रूप में मनाते हैं। गुरु जो है वो हमारे साथ अंग संग सहाय होकर चलते हैं, और साथ ही में श्री रामचंद्र जी जब वनवास काट के आए थे तब हम उसका दीपावली मनाते हैं। अब तो उनका खुद का एक भव्य रूप में उनका घर मंदिर के रूप में बन रहा है, उसका शुरुआत हो रही है, तो हमें दीपावली से भी बड़ा इसका माहौल बनाना चाहिए। और साथ ही में जो ये सफाई अभियान को लेके या इस चीज़ को है, तो मैं सभी को कहता हूँ, हमें मंदिर गुरुद्वारा और आसपास के लिए तो सबको हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि रहना हमने है, गंध भी हमारा ही होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को, हमारी लिविंग स्टाइल को, अब धीरे धीरे इसको बदलना पड़ेगा। हम हर चीज़ तो एडवांस चाहते हैं, हमें जीना भी इस रूप में पड़ेगा, जिससे कि हम हर चीज़ जो है सफाई के रूप में देखते आगे बढ़ें।